आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। वैश्विक महामारी के दौर में ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस के संक्रमण से मरीजों के बढ़ते ग्राफ को ध्यान में रखते हुए तहसील स्तर पर कोविड 19 सेंटर बनाए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में गुरुवार को घटिया तहसील के ग्राम पलवा स्थित आदिगाड़ी मेडिकल कॉलेज इकाई चैरिटेबल हॉस्पिटल पलवा में 10 बेड की सर्व सुविधा युक्त कोविड सेंटर का शुभारंभ शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया एवं विधायक रामलाल मालवीय की उपस्थिति में मंत्रोच्चार के साथ किया गया। वर्तमान में सेंटर में 10 बेड की व्यवस्था के साथ ही डॉक्टरों की टीम व उपचार की सारी संपूर्ण व्यवस्था रहेगी। सेंटर खुलने से घटिया तहसील के आसपास के गांव सहित घोसला के लोगों को भी कवर किया जा सकेगा। इस अवसर पर SDM गोविंद दुबे, तहसीलदार शिवराम कनासे, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अनुज शाके, जनपद CEO रविकांत उइके, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर देवेंद्र पंड्या सहित अस्पताल का स्टाफ उपस्थित रहा। उल्लेखनीय है कि उज्जैन जिले के बड़नगर व महिदपुर तहसील सहित अन्य तहसीलों में भी कोविड 19 सेंटर स्थापित किए गए हैं। कोरोना काल में आज जो कष्ट सब तरफ पड़ा है, इसलिए सब क्षेत्रों में खास करके कल के भी जो आंकड़े आए, कल परसों 903 दिन के भीतर अगर हम आंकड़े देखें तो हमारे तहसीलों का आंकड़े अब शहर की तुलना में आगे बढ़ गए। ऐसे में जो हमने प्लान बनाया था 15 दिन पहले के अपनी तहसीलों में स्वयं की अपनी स्वास्थ्य सेवा मजबूत हो, वहाँ स्वयं एडमिट करने की व्यवस्था हो, ऑक्सीजन बेड हो, मुझे इस बात का संतोष है कि करीब करीब हमारे यहाँ हर तहसील में ऑक्सीजन बेड उपलब्ध हो गए हैं। जो आज से 15 दिन पहले हमारे यहाँ जीरो की स्थिति में थे, तकरीबन 185 बेड हमको बड़नगर में मिल गए हैं, 100 के आसपास नागदा खाचरोद में हुए हैं, लगभग इस हिसाब से जिस ढंग से चल रहे हैं 50 बेड हमारे घटिया में हो गए। वैसे तो घटिया में आदिगाड़ी मेडिकल कॉलेज इसके खुद के अपने 350 बेड अलग से हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद कर रहे हैं कि जो अभी आज पलवा में सुविधा दी है घटिया को भी कवर करेगा और बगल में घोसला है, महितपुर है, महितपुर का ऑलरेडी उनके 50 बेड के हॉस्पिटल की अलग व्यवस्था है, झाड़ा में 10 बेड की अलग व्यवस्था कर रही है। कहने का तात्पर्य ये कि हमारे अपनी प्रत्येक तहसील में जहाँ कहीं किसी आपको आवश्यकता हो वो सारी चीज़ों की उपलब्धता हो, और सारी चीज़ों में हम सभी लोगों को मिला के भी चल रहे हैं। रामलाल जी भी मेरे साथ है, माननीय हमारे पूर्व सांसद जी, माननीय चिंतामणि मालवीय, माननीय अनिल फिरोजिया जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, थोड़ा सा हम सब मिल करके ये कष्ट के काल में एकजुटता के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और मुझे संतोष है कि जिस ढंग से अभी हमारा पॉजिटिविटी की जो दर है वो लगभग 17% जो चल रही है, कल तो 16 ही हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद हम तो चाहते हैं जीरो पे पहुँचे, लेकिन अगर कोई बीमार है तो उसका इंतजाम करें, इलाज करें, और जो बीमार नहीं है उसको बीमार से बचाने का प्रयास करें। सर, रेमडेसिविर इंजेक्शन की क्या व्यवस्था रहेगी? हम रेमडेसिविर पर्याप्त मात्रा में आए, लेकिन रेमडेसिविर के जो साइड इफेक्ट वो गलत आए, आज आपने सबने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि उसके बाद में शुगर से लेकर के किडनी तक के कई इफेक्ट आ रहे हैं। तो मैं अपील भी करना चाहूँगा कि जिसको बहुत ज़रूरी हो डॉक्टर लिखे वही लगवाए, और जहाँ तक हो उसको टाले, क्योंकि उसके बेड इफेक्ट आ रहे हैं, खराब असर आ रहा है, शरीर बिगाड़ रहा है, लेकिन उसके बाद जो आवश्यकता होगी तो जान बचाने के लिए जो जो करना हो सब करना पड़ेगा। आज पलवा के इस अस्पताल में कोविड सेंटर की जो शुभारंभ हुआ है, इसमें यहाँ पे अभी हमने 10 बेड का चालू करा है, लेकिन एक दो दिन में हम यहाँ पे 20 बेड का चालू कर देंगे, 20 से 25 बेड का, ताकि लोगों को उज्जैन ना जाना पड़े, उनको यही ट्रीटमेंट हो। डॉक्टर 3 व्यवस्था हो गई है, नर्स स्टाफ पूरा है, और इसको व्यवस्थित चलाना है, और यहाँ पे लोगों को प्रॉपर इलाज मिल जाए और वो स्वस्थ होकर घर जाए। ये मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और मोहन यादव प्रभारी मंत्री, हमारी इच्छा है कि हम यहाँ पे लोगों को स्वस्थ करके जल्दी से जल्दी करें। सर, कोविड से जनता डरी हुई है, क्या संदेश देंगे आप? मैं मीडिया के माध्यम से जनता से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि डरने के नहीं, लड़ने की ज़रूरत है, और मेरा मीडिया से भी ये निवेदन है कि लोगों को ये मैसेज दें कि डरे नहीं, लड़े। जैसे सर्दी खांसी या कोई सिम्टम्स दिखता है तो तुरंत कोविड का वो किट है उसको लेना चालू कर दें। एम्स के डॉक्टर और साइंटिस्टों का भी मानना है कि उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो शुरुआत में अगर इसमें हमने इसका डोज ले लिया तो ये कोरोना ख़त्म हो जाता है। तो मेरा लोगों से निवेदन है कि डरना नहीं है, तुरंत बताओ और इलाज चालू करो ताकि जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, इसकी चेन वहीं टूट जाए। संसद जी, जिला स्तर पर पत्रकारों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो गया, तहसील स्तर के लिए क्या व्यवस्था रहेगी? बहुत सारी तहसीलों के चालू में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने सभी पत्रकारों के लिए करा है, लेकिन उन्होंने अधिमान्य पत्रकारों की बात करी है, लेकिन मेरा उनसे ये निवेदन है और मैंने उनको लेटर भी लिखा है कि अधिमान्य नहीं, जितने भी पत्रकार हैं जो फील्ड में लिखे काम कर रहे हैं उनको कोरोना योद्धा घोषित करके और उनको भी वैक्सीनेशन करना।
पिछले दिनों जिस तरह को पूरे दिया तहसील में, इस बार पिछले वर्ष की बनिस्बत इस बार कोविड के प्रेजेंट मरीज हमारे ज़्यादा मिले, उसके कारण हम लोग सब चिंतित थे। हम लोगों ने उस दिन जिला प्रशासन की जब हमारी मीटिंग थी, उस दिन मैंने माननीय मंत्री जी के सामने और कलेक्टर साहब के सामने इस बात को रखी थी कि सब जगह कोविड सेंटर बने, गड़िया में नहीं। मैंने सबसे पहले पहल की, मैं विधायक नीति से आपको यहाँ ऑक्सीजन मशीनों की आवश्यकता है, मैं उसको देने के लिए तैयार। उसी दिन मैंने 20 लाख रुपये की सहमति पत्र कलेक्टर साहब को भेजा, 10 मशीनें हम लोग गड्ढिया के लिए और 10 मशीनें कुनेल के लिए हम लोगों ने दी। आज मुझे प्रसन्नता है, भले लेट चालू किए पर कम से कम आज गड्ढिया में हमारा ये पलवाप जो सेंटर है गड्ढिया तहसील में एक इमरजेंसी कोविड सेंटर के नाम से हम लोगों ने प्रारंभ किया। मुझे बहुत ही अपने आप में प्रसन्नता है कि यहाँ के लोगों को उज्जैन न जाना पड़ा। आज की परिस्थिति में उज्जैन के एक भी अस्पताल में हमारे पास बेड खाली नहीं है कि हम मरीज को भर्ती करा सकें। ऐसी परिस्थिति में यहाँ कम लक्षण वाले मरीज हम तो करते भगवान महाकाल से प्रार्थना कि यहाँ कोई ना आए, लेकिन कभी आए तो उसको तुरंत स्वस्थ होकर उज्जैन जाए।